अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारी पिछली वीडियोस के ही हम लोग फर्टिलाइजेशन को लेकर चल रहे हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन और उसकी जर्नल समरी, ठीक है। आज हम फर्टिलाइजेशन का जो पहला स्टेप है उसके बारे में बात करेंगे, वो क्या जी, स्पर्म अट्रैक्शन, और उसका दूसरा स्टेप एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। तो स्पर्म अट्रैक्शन क्या, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि एक खास स्पीशीज का जो स्पर्म होगा वो उसी स्पीशीज के फीमेल एग की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। वो स्पर्म, फॉर एग्जांपल सी अर्चन का स्पर्म एम्फीबियन के एग को फर्टिलाइज नहीं करेगा, और एम्फीबियन का स्पर्म, ठीक है, इकानोडर्म्स या हम लोग बात करें फिशेस के जो एग हैं उनको फर्टिलाइज नहीं करता। उसकी वजह अट्रैक्शन होती है, ठीक है। एक खास स्पीशीज का जो स्पर्म होगा वो एक खास स्पीशीज के एग की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल सी अर्चन का जो स्पर्म है वो सी अर्चन के एग की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। अब जब हम बेसिकली देखा गया कि ऐसी कौन से फैक्टर है जो स्पेसिफिक स्पीशीज बाइंडिंग करवाते हैं, तो उसमें पता चला कि एक एग जो है वो बेसिकली खुद ही नंबर वन स्पर्म को एक्टिवेट करता है, और नंबर टू उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। ये दो फैक्टर में, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है इसमें स्पेसिफिक स्पीशीज अट्रैक्शन के लिए या स्पर्म अट्रैक्शन के लिए, स्पर्म स्पेसिफिक अट्रैक्शन के लिए जो एजेंट है वो एग है, ठीक है। एग क्या करता है, वो खुद ही अट्रैक्शन करवाता है स्पर्म को अपनी तरफ और उसको एक्टिवेट भी करता है। किस तरह, एक जर्नल साइकिल के लिहाज से हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले फर्ज करें सी अर्चन का एग है, ठीक है, सी अर्चन का एग है। इस एग से क्या होगा, स्पेसिफिक SAPs निकलेंगे। SAPs से मुराद स्पर्म अट्रैक्शन पेप्टाइड्स, ये निकलेंगे और ये जाके क्या करेंगे जी, ये अट्रैक्शन जो है यहां केमिकल्स हैं ये स्पर्म के साथ जाके बाइंड करेंगे। उस बाइंडिंग का नतीजा क्या होगा जी, ठीक है जी, एग से क्या होंगे, SAPs सिक्रीट होंगे, वो जाके स्पर्म के साथ बाइंडिंग करेंगे। उनकी बाइंडिंग से क्या होगा, स्पर्म एक्टिवेट होगा, ठीक है जी, उनकी बाइंडिंग से क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेशन के बाद क्या करेगा, वो दूसरा काम अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, स्पर्म एग की तरफ मूव करना शुरू होता है, ठीक है। तो जो एग होता है इससे निकलने वाले केमिकल रिसेप्टर्स, ठीक है, वो दो काम करते हैं, एक स्पर्म की एक्टिवेशन करवाते हैं, दूसरा उसको डायरेक्शन देते हैं कि किस तरफ जाना है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग कहते हैं कीमोटैक्सिस, ठीक है जी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एग होता है वो कीमोटैक्सिस के प्रोसेस के जरिए स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये जो केमिकल्स हैं जिन्हें हमने SAPs कहा ये स्पेसिफिक होते हैं। एक स्पीशीज के एग का जो केमिकल है वो दूसरे किसी स्पीशीज के एग के केमिकल के साथ या उसके कंपोजिशन के साथ सिमिलैरिटी नहीं रखता। इवन के दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में भी ये जो SAPs सिक्रीट होते हैं इनकी केमिकल नेचर, इनकी बायोकेमिस्ट्री डिफरेंट होती है, ठीक है, इनकी जो केमिस्ट्रिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है। तो एक जनरल साइकिल की हमने जो बात की थी कि एग, एग से क्या निकलेंगे, SAPs, ये जाके स्पर्म के साथ बाइंड करेंगे, बाइंडिंग की वजह से स्पर्म क्या होगा, एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट की वजह से अट्रैक्शन या डायरेक्शन होगी और वो स्पर्म मूव करेगा, स्विम करेगा किसकी तरफ, एग की तरफ। और इस तरह की होती है जो फर्टिलाइजेशन का पहला प्रोसेस है कि स्पेसिफिक स्पर्म अट्रैक्शन वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसकी तरफ चलते हैं कि क्या वाकई ही एग ही है वो चीज़ जो इस अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है या कोई और कंपोनेंट है। तो जब इस चीज़ को देखा गया कि सिर्फ सी अर्चन ही नहीं बल्कि जो मिलर साइंटिस्ट है, ठीक है जी, इस प्रोसेस में जिसने ज़्यादा काम किया वो मिलर है, मिलर और उसके कुलीग्स ने। अब मिलर ने सिर्फ सी अर्चन पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है, इसने एम्फीबियन पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, एग और उनके स्पर्म पे, इकानोडर्म्स, देन इसके अलावा सी अर्चन की हमने अभी बात कर ली, निडेरियंस, ठीक है। इसने इन डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट क्लास फैमिलीज के
जो एग और स्पर्म में उनके ऊपर काम किया तो उसे पता चला कि एग के में से हमेशा कोई ना कोई केमिकल निकलता है जो स्पर्म को डायरेक्शन देता है और स्पर्म की उस तरह मूवमेंट करवाता है। तो उस केमिकल्स को इसने SAPs का नाम दिया, जिसे अब हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। अब इस बात को साबित करने के लिए कि एग ही वो चीज़ है जो स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाता है, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट किया, इसने सबसे पहले एग लिया और उसे एक, ठीक है, स्लाइड्स के ऊपर रखा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, और इसने वहां पे मुख्तलिफ स्पर्म्स को इंसर्ट या इंजेक्ट किया। स्पर्म रैंडमली मूव कर रहे थे। फिर क्या हुआ, कुछ देर के बाद, ठीक है जी, वो स्पर्म क्या थे, उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई और वो सारे के सारे एग की तरफ आना शुरू हो गए। जब इसने अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया तो इसे पता चला कि जो पहला एग इसने रखा था उसके अंदर मियोटिक टू डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ था, उस एग में मियोटिक टू डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई थी, लिहाजा कुछ ऐसा हो रहा था जो कि स्पर्म को अट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन जैसे ही, ठीक है जी, मियोटिक टू डिवीजन कंप्लीट हुई तो स्पर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, एग की तरफ। तो यहां से इसने इस बात को पॉइंट आउट किया कि जो एग होता है वो ना सिर्फ स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, बल्कि ये टाइमिंग ऑफ अटैचमेंट या फ्यूजन को भी कंट्रोल करता है। यानी कि एक एग किस स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ये भी कंट्रोल कर रहा है, और किस टाइम पे उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ताकि फर्टिलाइजेशन जो है वो सूटेबली हो जाए और चांसेस बढ़ जाए एम्ब्रियो के, वो भी कंट्रोल करता है। तो एग एट अ टाइम फर्टिलाइजेशन, टाइमिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन और स्पेसिफिक स्पर्म अट्रैक्शन दोनों कर रहा होता है। अच्छा, देन उसके बाद इन दोनों सेल्स को लिया गया और इनके केमिकल एनालिसिस किया गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस प्रोसेस में यूज हो रही है। तो वही बात हुई कि स्पेसिफिक स्पर्म अट्रैक्शन केमिकल थे, ठीक है जी, वो आए। तो इसने एक केमिकल का नाम है जो सी अर्चन में हम लोग लेते हैं, उसे कहते हैं रिएक्ट, ठीक है, उसे क्या नाम दिया जाता है, रिएक्ट। रिएक्ट को यहां पे रखा गया और उसने देखा कि जितने भी स्पर्म थे, जैसे ही रिएक्ट को हमने उसने इंजेक्ट किया स्लाइड पे, जितने भी स्पर्म थे उनकी डायरेक्शन क्या हो गई जी, वो सारे के सारे उस केमिकल की तरफ जाना शुरू हो गए। तो इसे पता चला कि जो हर एक स्पीशीज है वो एक खास किस्म का केमिकल एग अपने सिक्रीट करवाता है एग से, जो एक खास ही या उसी स्पीशीज के एग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब इस बात में ये जो रिएक्ट होता है, ठीक है, इसने देखा बाद में, जो हमने अभी बात की थी कि ये एक स्पीशीज का अलहदा होता है दूसरी स्पीशीज का अलहदा, तो इसने इस बात के लिए मजीद फर्दर रिसर्च की थी। ठीक है, तो उस पर हम लोग चलते हैं। अब एक्टिवेशन की सबसे पहले बात करते हैं कि स्पर्म की एक्टिवेशन, ठीक है, हमने यहाँ पे कहा है कि एग दो काम करवा रहा होता है, स्पर्म को एक्टिवेट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना और दूसरा उसकी अटैचमेंट करवाना, सॉरी उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्टिवेशन की। ठीक है, एक्टिवेशन में देखा गया है कि जो एग होता है, ठीक है जी, इसके ऊपर जाली मटीरियल मौजूद होता है। ठीक है, इस जेली मटेरियल से, ठीक है, इन केस ऑफ सी अर्चन और जो स्पीशीज है वो है ए डॉट, ठीक है, अरबिका, ठीक है जी, अरबिका पंक्टुलेटा, ये स्पीशीज है सी अर्चन की ली गई। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने देखा कि इसमें से स्पेसिफिक जो जेली लाइक कोटिंग है इसमें से कुछ केमिकल रिलीज हो रहे हैं। ठीक है जी, वो केमिकल जाके क्या करते हैं जी, स्पर्म को एक्टिवेशन और डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो स्पर्म को क्या करते हैं, एक्टिवेशन और डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब स्पर्म की डायरेक्शन से पहले यहां पे जो बात करना जरूरी है वो है स्पर्म की मोबिलिटी की। ठीक है जी, मोबिलिटी से मुराद क्या जी, स्पर्म की मूवमेंट, स्पर्म मूव करता है, उसका फ्लैजेला एक्टिवली काम कर रहा है। तो जो सी अर्चन होते हैं इनके अंदर जो गुनेड्स हैं, ठीक है, सी अर्चन है, फर्ज करें एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है किसकी जी, गुनेड्स की, जो गुनेड्स हैं उनके अंदर हाई लेवल ऑफ CO2 होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो इसकी pH है वो 7.2 पे होती है। ठीक है, इसकी pH कितनी होती है, 7.2। तो ऐसी कंडीशन में जो स्पर्म इनके अंदर मौजूद होगा वो इमोबिलाइज है। ठीक है, वो मूव नहीं कर सकता, उसका फ्लैजेला एक्टिवली काम नहीं कर रहा। जैसे ही स्पर्म की स्पॉनिंग होती है, क्या होती है, स्पॉनिंग का प्रोसेस होता है, स्पर्म क्या होते हैं, निकलकर
सी में आ जाते हैं, ठीक है, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हम लोग बात कर ले वहां पे आते हैं। तो जैसे स्पर्म निकल कर सही एनवायरनमेंट में आते हैं तो जो सी है उसकी पीएच है 7.6। ऐसी कंडीशन में जो स्पर्म है इसके अंदर डायनिन एटीपीएस, ठीक है जी, 7.6 पीएच पे जो सी अर्चन का स्पर्म है उसके अंदर जो डायनिन एटीपीएस एंजाइम है वो एक्टिव होता है और ये क्या करता है जी, हाइड्रोलाइसिस करना शुरू कर देता है। ये एटीपी की ब्रेकडाउन करता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब हमें पता है जैसे ही एटीपी ब्रेकआउट होता है तो उससे एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी क्या करती है जी, स्पर्म को मोबाइल करती है, उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करती है, वो मूव करता है, ठीक है जी। तो सी अर्चन में बिफोर स्पॉनिंग स्पर्म मोबालाइज नहीं है, वो इमोटाइल है, हरकत नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो स्पॉनिंग होती है रिलीज हो जाता है मेल की बॉडी से, तो ये जो प्रोसेस होते हैं इनके जरिए स्पर्म में क्या होती है, मोबिलिटी। अब ये जो स्पर्म है, ठीक है जी, इट हैज एबिलिटी टू मूव, इट हैज एबिलिटी टू मोबाइल, कि वो हरकत करने के काबिल है, वो अब मूव कर सकता है। इस प्रोसेस के साथ साथ जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो स्पर्म को एक्टिवेशन और अट्रैक्शन दोनों में कंबाइन काम कर रहा होता है, वो केमिकल्स हैं जो एक्टिवेशन में, ठीक है, स्पीशीज के एग से, फीमेल बॉडी में जो एग था, सॉरी रिलीज हो चुका है एग, अब जो एनवायरनमेंट में एग है उससे जो SAPs निकल रहे हैं उनसे आता है। अब ठीक है जी, और हमने बात की थी ये क्लोज रिलेटेड स्पीशीज में डिफरेंट है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। इन केस ऑफ अरिबा पंकुलेटा इसके अंदर जो ये SAPs हैं, ठीक है, स्पर्म अट्रैक्शन पेप्टाइड है, वो है रिसेक्ट, ठीक है जी, वो क्या जी, रिसेक्ट है, ये 14 अमीनो एसिड पर मुश्तमल एक पेप्टाइड है, ठीक है जी, ये क्या जी, 14 अमीनो एसिड पर मुश्तमल एक पेप्टाइड है। ये क्या करता है जी, ये स्पर्म के ऊपर आके बाइंड करता है, ठीक है, स्पर्म के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे जिनके साथ जाके इसने क्या करना है, बाइंड करना है। इसकी बाइंडिंग से स्पर्म मोबाइल तो हो चुका है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है जी, और साथ इसकी बाइंडिंग से कैल्शियम इनफ्लेक्स होगा जिसकी वजह से उसे पता चलेगा कि मैंने किस सिम्मत में किस डायरेक्शन में जाना है। तो हम लोग सिर्फ इतने से पार्ट को लेकर बात करेंगे, ठीक है, इतने पार्ट को हम लोग यहां पर बड़ा करके देखते हैं। तो फर्ज करते हैं जी, एक स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है उसके हिस्से की बात करते हैं। तो जो स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो रिसेक्ट है, ठीक है जी, इसके लिए स्पर्म की मेम्ब्रेन के ऊपर एक खास जगह पर रिसेप्टर मौजूद होता है। इस रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं RGC, ठीक है जी, RGC, ये क्या जी, रिसेप्टर गोनाइल, ठीक है जी, चैनल, ठीक है जी, RCG रिसेप्टर। जैसे ही ये जो रिसेक्ट है ये आके इसके साथ बाइंड करता है, इसके साथ आगे क्या करता है जी, बाइंड करता है, तो ये GDP को, ठीक है, ये क्या करता है, GDP को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक GMP में, ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं, फीमेल एग जेली कोड से SAPs इन केस ऑफ पंक्टुलेटा रिसेक्ट सिक्रीट हुआ, इसने जाके स्पर्म की बाइंडिंग साइट पे मेम्ब्रेन के ऊपर RCG रिसेप्टर था उसके साथ जाके इसने बाइंड किया। बाइंड करने की वजह से साइटोप्लाज्म में, स्पर्म के साइटोप्लाज्म में GTP की कन्वर्जन हो गई, किसमें, साइक्लिक GMP में। इसकी साइक्लिक GMP क्या करती है, पॉजिटिव फीडबैक के तौर पर इफेक्ट करती है, जितनी इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी ये उतना ज़्यादा इफेक्ट शो करेगी, ठीक है जी, जितनी इसकी अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी, ये उतना इफेक्ट शो करेगी, किसके ऊपर, एक चैनल की ओपनिंग करवाएगी, उस चैनल को हम लोग कहते हैं कैल्शियम चैनल। जितना ज्यादा साइक्लिक GMP की अमाउंट सिक्रीट रिलीज होगी साइटोप्लाज्म में, उतने ज्यादा कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, जिसकी वजह से सी एनवायरमेंट, ठीक है जी, उसमें जो कैल्शियम मौजूद था वो इनफ्लेक्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कैल्शियम
सी एनवायरनमेंट से किस में आ रहे होते हैं, स्पर्म के इनर साइड में। अब ये प्रोसेस ठीक है जी, स्पर्म पहले ही मोबिलिटी में आ चुका है, एटीपी डाइनिन एटीपी जो है वो एक्टिव हो गया, वो एटीपी की ब्रेक डाउन कर रहा है। साइक्लिक जो रिसेप्टर था साइक्लिक जीएमपी इन है, कैल्शियम इन्फ्लक्स करवा दिया, बाहर से कैल्शियम अंदर आ रहा है। तो अब जब कैल्शियम अंदर आएगा तो ये दो काम करेगा, ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये दो काम करेगा। पहला तो कैल्शियम का अंदर आना, ये जो मिड पीस है और फ्लैजेला, ठीक है, ये मिड पीस और फ्लैजेला के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनकी अरेंजमेंट करवाएगा। उस अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा जी, स्पर्म मूव करना शुरू कर देगा किसकी तरफ, एग की तरफ, ठीक है। स्पर्म को डायरेक्शन मिल जाएगी कि इस डायरेक्शन में जाना है या इसमें, जहां से कैल्शियम इन्फ्लक्स ज्यादा होगा या उस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और दूसरी बात, कैल्शियम इन्फ्लक्स ज्यादा होगा तो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या जी, जो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाएगी। जितना माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन ज्यादा होगी, हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन में एटीपी की अमाउंट बनती है, तो जितना माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन ज्यादा होगी विद इन स्पर्म, एटीपी की अमाउंट उतनी ज्यादा होगी, और जितनी एटीपी की अमाउंट ज्यादा होगी डाइनिन एडिनिन एटीपीएस के पास उतना ज्यादा एटीपी आएगा, वो उतने ज्यादा एटीपी को तोड़ेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और मेरी एक वीडियो थी जिसमें हमने स्पर्म स्ट्रक्चर की बात की, तो तब ये जो स्पर्म होगा इसकी जो मोबिलिटी है वो मजीद बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो हाइपर हो जाती है और वो ज्यादा तेजी के साथ इन डायरेक्शन ऑफ एग मूव करना शुरू कर देता है। तो इस तरह जो एक एग है वो स्पर्म की एक्टिवेशन भी करवा रहा होता है इस प्रोसेस में, ठीक है जी, और इनके सी भी। और दूसरा, स्पर्म से जो केमिकल निकलते एग से सॉरी निकलते हैं वो स्पर्म के अंदर एक्टिवेशन भी करवाते हैं कि स्पर्म की मोबिलिटी इन दोनों प्रोसेस की वजह से, सी एनवायरनमेंट में कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से और इस जो एस ए पीज या रिसेक्ट आगे लगा है उसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स स्पर्म में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से स्पर्म की एक्टिवेशन और या आप ये कह सकते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही ये केमिकल्स की मौजूदगी है कैल्शियम इन्फ्लक्स होती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, एटीपी की तादाद मिकदार बढ़ती है, उसकी जो मोशन है वो मजीद तेज होना शुरू हो जाती है। और कैल्शियम का अंदर आना इस बात जो स्पर्म है उसको गाइड भी करता है कि किस डायरेक्शन में एग मौजूद है या ये जो रिसेक्ट है वो किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, और स्पर्म इन केस ऑफ कीमोटैक्सिस उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो इस तरह जी जो फर्टिलाइजेशन है उसका पहला स्टेप क्लियर होता है, वो क्या जी, स्पर्म अट्रैक्शन। और ये जो स्पर्म अट्रैक्शन है इसके अंदर मजीद टू सब हेडिंग होती हैं, स्पेसिफिक स्पर्म अट्रैक्शन, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है जी, और डायरेक्शनल प्रोवाइडेड बाय स्पर्म, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसका मतलब अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।